क्लाइमेट देखो भाई साहब, पूरा क्लाउडी क्लाउडी एकदम, सुबह से ठंडा सा जो वेदर है। और गूगल चेक मैंने किया तो 1 बजे के बाद ना बारिश दिखा रहा है, वो भी 60-70%, और शाम तक जो है ना 80-90% का बारिश दिखा रहा है। फिलहाल मैं जो ना तैयार हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, बैग वगैरह ले लिया, निकलते हैं। मौसम अच्छा है, ठीक है, बट मुझे हल्का सा कोल्ड का कंप्लेंट है। मॉम का भी थोड़ा तबीयत खराब है, तो आई थिंक उससे मुझे ना हल्का सा कोल्ड पकड़ लिया, बट हाँ निकलते हैं पहले। ये देखो कितने सुंदर सुंदर है, क्या मस्त दिख रहे हैं। देखो अचानक से मुझे दिखा, ओ हाय। वेदर कंडीशन जब चिल्ड रहता है ना तो अच्छा लगता है। डार्क क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ था, बट थोड़ा डार्क डार्क आ रहा था। देखो ये डस्क कितना साफ सुंदर क्लीन दिख रहा है, आई एम लविंग इट। करके बताओ भाई साहब मेरा डस्क आजकल कैसा दिख रहा है, थोड़े और इनोवेशन रिनोवेशन करेंगे इसमें। आते आते ना देखो यहाँ पे पूरा सिलेक्शन चल रहा है, परफ्यूम कौन कौन क्यों लेगा। हमारे अंबानी भाई साहब सेलेक्ट कर रहे हैं एक परफ्यूम, इनको एक दिया जाएगा, एक मैं रख रहा हूँ एंड बाकी और दो है। इसमें टोटल 4 परफ्यूम्स आए हैं गाइस, तो एक और आज़ाद भाई रख रहे हैं, एक मैं रख रहा हूँ, एक अपना अंबानी जी ले लेंगे, एक बाकी बचे रहेगा। अब उसमें लव कुश लेगा या फिर हिंदू भाई लेंगे, अब वो उनको डिसाइड करना होगा। एक एक करके जिसको जल्दी पहला टाइम मिल रहा है वो लेते जा रहा है, बस यही जी, और कुछ नहीं। 2 पैकेजेस अभी जस्ट डिलीवर हुए, पूरा टेबल भरा पड़ा हुआ है ये है। और हाँ मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये वाला जो पैकेज है और ये वाला जो पैकेज है ये भी आज ही डिलीवर हुआ है, तो सबको यहाँ पर रख देते हैं, ये ना बाद में ओपन करेंगे, अभी थोड़ा फिलहाल काम उम कर लेते हैं तब करेंगे। और मैं ना अपने अंबानी जी को ये बता रहा था, ये देखो भाई ये मेरा कलेक्शन में जा रहा है, ये हमेशा बैग में रखा करता था, बट इसको मैं घर पे रख दूंगा। इसका जो ना 300 रुपीज का ये है, छोटा सा है गैस, मैंने आपको पहले दिखाया था, बट इसको ना घर पे रख दूंगा। अब इसमें से कोई एक हैंडी रहेगा जो कि बैग में पड़ा रहेगा एंड बाकी सभी यहाँ ऑफिस में भी एक और ये है हमारे पास ना, एक ये हमेशा पड़ा रहता है। ये देखो जब किसी को भी कुछ भी लगाना हो तो ऑफिस में फुस कर लो, मज़ा आ जाता है ऑफिस के अंदर। एक और पैकेज डिलीवर हुआ, देख सकते हो ये, मतलब आज 1, 2, 3 डिलीवर हो चुका है। कल वाला ये ऐसे ही, देखो कल ये डिलीवर हुआ था बट मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया। ये 2 पैकेजेस ऐसे ही हैं, तो सब मिला के 5 पैकेजेस आज आ चुके हैं, सबको ओपन करेंगे बट अभी नहीं, अभी थोड़ा काम कर लेते। तो बॉक्सेस वगैरह मैंने अनबॉक्स किया था ना, इतने सारे बॉक्सेस में देखो क्या आया था, मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो लाइट जल रहा है ना देख रहे हो, ये आया था, ओके, ये लाइट वाला पूरा सिस्टम वगैरह था उसके अंदर में। एंड साथ ही में ये जय श्री राम का, राम जी का जो है ना गिफ्ट आया था, जो कि आर्चिस की तरफ से है। आई मीन गिफ्ट तो नहीं, मैंने परचेज किया था तो उसके साथ में ये एज अ गिफ्ट दे दिए, तो ऐसा कुछ है, स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो ये है। एंड साथ ही में गैस ये भी एक आया था, ये जो है ना एक कार क्लीनिंग किट है, ओके, इससे कार वगैरह, अपना कार वगैरह साफ़ कर सकते हैं, तो उसके लिए काम आ जाएगा। इसका जो है ना एक लंबा सा ऐसा देखो स्टिक भी है, देखो इसको उसके अंदर में लगा करके कार वगैरह साफ़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में ये देखो, ये एक शर्ट भी मैंने मंगाया था, ब्लू कलर का ऐसा है, स्ट्रिप वाला डिज़ाइन वगैरह अच्छा है, इसको पहनूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड फिर एक ये देख रहे हो ब्लेंको की तरफ से एक परफ्यूम है, 8 ml का बहुत छोटा परफ्यूम है, ये भी एक आया था। एंड देखो साथ में ना ये देखो, ये आपको पता चल गया पूरा पैकेट है भाई सब स्नैक्स का, चॉकलेट्स का, तो ये अपना आया था। एंड और इसको एक साइड रख लिया, ये तो मैंने शायद आपको दिखाया होगा, यहाँ पे देखो ये पूरा जूस का ये सब चीज़ें, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। सारे सामान वगैरह आई थिंक, एक सामान आई थिंक कहीं तो छूट रहा है, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया हो यार, तभी वगैरह किचन का एड्रेस, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया हो यार, तभी वगैरह किचन का एड्रेस, वगैरह किचन का एड्रेस।
बताओ वैसे ये लोग जो है ना अभी क्या सोच रहे होंगे, इनके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा होगा। आराम से मस्त से दीवार पे बैठे हुए हैं, बट दिमाग के अंदर में क्या सोच रहे होंगे अब बताओ। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ क्या लगता है आप। देखते हैं कितने लोग क्या आंसर करते हैं, और बाकी जो लोग भी है ना सब लोग जाकर के आंसर दूसरों की पढ़ो और खुद का आंसर डालो। यहाँ पे बताओ इन पक्षियों के दिमाग में क्या चलता होगा। पिछले 1.5 घंटे से मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, चल रहा है, पता नहीं और कितना देर तक चलेगा। मैंने सोचा अभी व्लॉग अभी तक बंद नहीं किया तो अभी बंद कर देता हूँ। मेरा तो देखो कष्ट चलते रहता, कुछ नहीं कर सकता। एंड बाकी आपको दिन भर देखा हुआ सब क्या क्या मस्त मस्त फुटेजेस थे, कितने सारे एनिमल्स प्यारे प्यारे थे। आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।